गुड मॉर्निंग। इस लोग हम बैठे हुए हैं लास्ट में और अभी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं निकलने की। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा हुंजा, जिसमें हम रास्ते में बहुत सारी जगहें कवर करेंगे जो कि हम आपको रास्ते में दिखाते हुए जाएंगे। तो नाश्ता करेंगे पहले यहाँ से निकल के, यहाँ पे भूख बहुत लगती है यार। और जैसा कि हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों लास्ट से हुंजा की तरफ, तो अभी हम लोग रास्ते में फिलहाल तो बाबूसर के गेट पे की तरफ से होते जाएंगे। जो बाबूसर का गेट है हम उसको क्रॉस करेंगे, तो मिलते रहते हैं फिर थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जो हमने आपको दिखानी है। तो फिर साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कत्ता पानी पे। यहाँ पे हमने इस वक्त लिया है बात, थोड़ा सा हम नहाए धोए हैं, साफ सुथरे हुए हैं, क्योंकि हमने होटल में नहाने को प्रेफर नहीं किया। हमने कहा कि हम आगे चल के नहाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे, आप देखे होंगे मेरे पीछे, हमने यहाँ पे जो है बात लिया है। अभी अभी फुल शैम्पू से हम नहाए हुए, आज पूरी बॉडी का मसाज किया शैम्पू से, और अभी हमारा ग्रुप जो बाकी है तो फिर उसे ले रहे हैं अपनी तत्ता पानी के साथ। तो अब हम अगले पॉइंट पे आपको मिलेंगे। अगेन क्या सोच रहे हो, काम पहुंच गए? कहीं नहीं, गाड़ी के पास ही है अभी, फिर दिखाने वाले हैं, फिर तैयार हैं आप लोग? ओ नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो पूरा ही दिखाते हैं फिर। इस वक्त हम मौजूद है नागा पर्वत के पास, हमारे पीछे नागा पर्वत की पहाड़ी है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें ये चीज देखने को मिलती है नागा पर्वत, क्योंकि ये ज्यादा टाइम जो है बादलों में कवर रहती है। कुछ महीनों में कुछ दिन होती है जिसमें ये देखने को मिलती है। अभी आपको उसका व्यू दिखाते हैं नागा पर्वत, बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही कम। जी तो बहुत से हम इस वक्त मौजूद हैं थ्री माउंटेन जंक्शन पॉइंट पर हम मौजूद हैं। हिंदू का शिवालिया गरा गरम बेंचेस हैं ये, लेकिन इस वक्त गर्मी भरपूर चमाटे मारते हुए है, गर्मी के चमाटे बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। इन लोगों की हिम्मत को सलाम है जो ये हमारे सारे भाई जो हैं खड़े हैं हमारे ट्रिप के साथ वाले, ये लोग लगे हुए हैं तस्वीरें वस्वीरें लेने। भरपूर गर्मी है, भरपूर गर्मी, कराची की याद आ रही है यहाँ पे आके। कोई जगह ऐसी भी है यहाँ पे देख लें नॉर्दर्न एरियाज में कि कराची की याद आती है। तो ये हमारे सामने बिल्कुल कराकरम रेंज है, पहले कराकरम रेंज आती है, फिर हिमालय रेंज आती है, और फिर हिंदुकश रेंज आती है पीछे हमारे। तो अभी हम आगे चलेंगे यहाँ से थोड़ा सा और फिर हम आपको एक और सरप्राइज पॉइंट दिखाएंगे। तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं राकापोशी व्यू पॉइंट पे। मेरा सांस अभी बहुत ज़्यादा खुल गया क्योंकि मैं वो नीचे से यहाँ तक चल के आया हूँ ऊपर ज़्यादा चढ़ के, क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी मुझे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़ जिसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ी नहीं फिर ज़्यादा ही बोलेंगे, राकापोशी। ये मेरे साथ के जो आए हुए हैं, मैं जिनको लेके आया हूँ अपने ट्रिप पे, वो मेहनत कर रहे हैं जिप लाइन के लिए ऊपर जाने की कि हम लोग राकापोशी जिप लाइन लेंगे, लेकिन देखते हैं कितनों को जवाब आता है। दो बंदे तो रह गए पीछे क्योंकि ये राकापोशी है, खूबसूरती इसकी।
ये इसके सामने ग्लेशियर आया हुआ है। गर्मियों सर्दियों में ग्लेशियर जहाँ मैं बैठा हुआ ये बैठने की जगह होती नहीं है क्योंकि ग्लेशियर यहाँ तक आया हुआ होता है। लेकिन अभी हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी गर्मियाँ हैं और हमें सारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जी। तो कैसा लगा फिर ये पॉइंट? अच्छा हाँ, जिन दो की मैं बात कर रहा था वो दो यहाँ आ रहे, कहाँ गए ये रहे, ये दो आ रहे हैं अभी, जिनकी हिम्मत जवाब दे गई है और मुझे लग रहा है ये मेरे पास ही आके बैठेंगे। बाकी सारे तो चले गए, लेकिन जो यहाँ की हवा है और जो यहाँ का मज़ा है वो तो बस। और ये ग्लेशियर जो पानी आ रहा है ये ग्लेशियर से आ रहा है क्योंकि नीचे दरिया इंडस में जाके मिल रहा है। और लेकिन जो यहाँ की ठंडी ठार हवाएं है ना, लेकिन हम जैसे सब लौटने को अभी भी पिघला नहीं सकी, अभी तक हम डिजर्ट में बॉयज और घर भी हैं। और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हम भी इंजॉय करें, हम आके बैठ गए बिल्कुल सेंटर में। वो रहा हमारे पीछे राकापुर की सेंटर की लाइफ का अलग ही मजा है क्योंकि ये जो पानी है ना बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है माले, बहुत ठंडा है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह। रात हमने सामने होटल है हमारा, तो सामने वो सामने कैफे में भी वहाँ पे हमारा होटल है, वहाँ पे हम लोग गुजारेंगे अपनी रात फुल और मस्ती के साथ। तो अभी तो यहाँ पे बहुत ठंडा है, पानी का जोर आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जो इस चीज़ का सुकून नज़र इस चीज़ में बात करता आ रहा हूँ ना वो यही है, यही है। Thank you.